हेलो गाइस, सो वंस अगेन वेलकम टू टेक्निकल ब्रोस। तो आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉप 5 हॉरर गेम्स ऑन एंड्रॉयड। तो गाइस, ये जो लिस्ट है इसकी सभी 5 गेम्स जो हैं वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये सब फ्री हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, नंबर 5 पर जो हमारी गेम है वो है स्लेंडर मैन मस्ट डाई चैप्टर 4। तो गाइज, वैसे तो ये जो गेम है इसके 4 पार्ट्स हैं और वो सभी 4, मैंने 4th पार्ट इसलिए लिया है क्योंकि जो सभी 4 हैं उनका कंसेप्ट सेम है और जो चैप्टर 4 है इसको, इसके ग्राफिक्स सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैंने ये पार्ट लिया है। तो इसमें करना क्या होता है, मैं बेसिकली जो इसमें है एक स्लेंडर मैन है और हमें बहुत ही सुनसान गलियों में कुछ पेपर्स ढूंढने होते हैं और वो स्लेंडर मैन जो है कभी भी आ सकता है। तो हमें कुछ पिस्टल्स वगैरह दी जाती हैं। जी हाँ, ये पड़ी सामने एक पिस्टल, मैं थोड़ा सा गेम प्ले आपको दिखा देता हूँ। और ये हमने पिस्टल रखी है, यहाँ कुछ बुलेट्स भी पड़ी हैं मुझे लग रहा है। नहीं, बुलेट्स नहीं है हमारे पास, देख सकते हैं आप 30 बुलेट्स हैं। तो हमें यहाँ से बाहर जाना है। अब हमें कुछ पेपर्स ढूंढने होते हैं इसमें। तो गाइस, देखा जाए वैसे गेम इतनी ज़्यादा हो रही नहीं है क्योंकि जब हम पेपर्स लेते हैं तभी स्लेंडर मैन आता है और किसी भी टाइम पर नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको फिफ्थ पोजीशन पर डाला है। तो गाइस, ये देखो यहाँ पर एक शॉर्ट गन भी पड़ी है, हमें काम करते हैं शॉर्ट गन सकते हैं। जी हाँ, ये शॉर्ट गन है। तो गाइस, बस यही है इसमें कि हमें कुछ पेपर्स ढूंढने होते हैं। फिलहाल मुझे कोई पेपर्स मिल नहीं रहे और इसको बहुत ही ज़्यादा लंबे गेम प्ले की ज़रूरत होगी, इसलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट गेम हमारी वो है स्लेंडरीना द स्कूल। तो गाइस, ये भी इतनी ज़्यादा हॉरर नहीं है पर हॉरर है, हाँ ठीक है कह सकते हैं वो हॉरर है, पर इतनी ज़्यादा हॉरर नहीं है, इसलिए ये है 4th पोजीशन पर। तो गाइस, इसमें बेसिकली हमें करना क्या होता है, अभी हम इजी डिफ़िकल्टी खेलते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या होता है कि हम एक स्कूल में बंद होते हैं और हमें कुछ चाबियाँ ढूंढनी होती हैं और दरवाजे खोलने होते हैं और इस स्कूल से बाहर निकलने की ट्राई करनी होती है। तो गाइस, वो चाबियाँ कहीं भी पड़ी हो सकती हैं और इसमें जो स्लेंडरीना है वो कभी भी आ सकती है। इसमें स्लेंडरमैन की तरह नहीं है कि जब हम चाबी चकेंगे तभी वो आएगी, वो कभी भी आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक दरवाज़ा आया है, ये लॉक्ड है, हमें इसकी की चाहिए, हमें इसकी की ढूंढनी होगी। तो चलते हैं की ढूंढने, अगर कोई मिले तो। गाइस, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है, ये भी लॉक्ड है, इधर भी दो दरवाजे हैं, ये खुल गया है और आप देख ही सकते हैं स्कूल है एक, और यहाँ कई सारे बेंचेस पड़े हैं। यहाँ हमें ध्यान से देखना होगा कहीं कोई की ना पड़ी हो, और गाइस यहाँ तो नहीं पड़ी। अब अगले दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, अगले दरवाजे में कुछ हो तो। नहीं गाइस, ये भी लॉक्ड है। तो गाइस, बेसिकली कंसेप्ट इसका यही है कि आपको कुछ कीज ढूंढनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमें एक और क्लासरूम मिला और इसमें भी कोई की नहीं है। तो इसका गेम प्ले जो है वो तो बहुत लंबा चलने वाला है। और ये देखिए, हम लॉक्ड हो चुके हैं इस रूम में, ये खुल गया। तो बस गाइस, मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है ग्रैनी। तो ग्रैनी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा गाइस, ये बहुत पॉपुलर गेम है, हॉरर मानी जाती है। तो गाइस, इसमें बेसिकली हमें करना क्या होता है, हम नॉर्मल डिफिकल्टी पर खेलते हैं पर। तो इसमें करना क्या होता है गाइस, ये जो ग्रैनी होती है वो हमें एक घर में बंद कर देती है और हमें उस घर से बाहर निकलना होता है, और जो ग्रैनी होती है वो किसी भी टाइम अपना बैट लेके हमारे पास आ जाती है और हमें मार देती है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 5 डेज होते हैं टोटल, इसका हम गेम प्ले भी डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और पर डे उसकी पर वीडियो बनेगी। तो गाइज ये डे वन शुरू हुआ है। यहाँ पे हमको इसने अपने घर में लॉक करके रखा हुआ है। और ये देखिए गाइज जैसे हम कुछ गिराते हैं तो हम, ये देखिए बेड के नीचे सब गए हैं, जैसे हम कुछ गिराते हैं तो ग्रैनी उसी टाइम आ जाती है। अभी देखना गाइज आएगी अभी। तो गाइज आप जब इस गेम को ये देखिए गाइज ग्रैनी आ चुकी है। आप जब इस गेम को ईयरफोन्स लगा के खेलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, मानो या ना मानो, ये बहुत ज़्यादा ही हॉरर गेम है। तो गाइज ये देखिए हम बाहर निकल चुके हैं। हम जैसे ही ग्रैनी के पास जाएंगे तो हमें बैट मारेगी और हमारा नेक्स्ट डे शुरू होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है डे टू। तो ऐसे ही है गाइज, हमें कुछ कीज़ वगैरह ढूंढनी होती हैं और इस घर से बाहर निकलना होता है। तो गाइज मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट गेम की तरफ, जो है हॉरर हॉस्पिटल 2। तो गाइज ये गेम भी यूनिटी की है, आप देख सकते हैं। और गाइज इसमें करना क्या होता है, हम एक हॉस्पिटल में बंद होते हैं और वो हॉस्पिटल बहुत ही ये देखिए गाइज लिखा हुआ प्लेइंग विद हेडफोन्स इज एडवाइज्ड, क्योंकि जब हम किसी हॉरर गेम को हेडफोन्स लगा कर खेलते हैं तो वो और भी हॉरर लगती है। और इसकी जो साउंड्स हैं वो आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रीपी है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है गेम खेलते टाइम। तो गाइज ये देखिए हम स्टार्ट करते हैं इस गेम को, ये लोडिंग हो रही है और ये स्टार्ट होगी हमारी गेम। तो इसमें करना क्या होता है गाइज, हम एक हॉस्पिटल में कैद होते हैं और ये देखिए लिखा इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस सीक्रेट फाइल्स गो टू द हॉस्पिटल। ओके, मतलब कि हमें हॉस्पिटल में जाना है। ये देखिए यहाँ पर एक बाइक खड़ी है। और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेने हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल के अंदर जाना है। तो गाइज देखिए हॉस्पिटल में कितना अंधेरा है। ये देखिए गाइज ये गेट बंद हो चुका है, हम इस गेट से बाहर नहीं जा सकते। और ये देखिए गाइज ये क्या हुआ, एक भूत आया अभी हमारे सामने। गाइज ये गेम मुझे काफ़ी हॉरर लग रही है, कभी भी आ सकता है भूत। स्लेंडरीना वाली गेम में हमें कोई भूत दिखा नहीं था, पर इसमें तो गाइज एंटर होते ही भूत दिख गया है। ये देखिए गाइज ये काफ़ी ज़्यादा हॉरर गेम है। और ये हम देखिए हॉस्पिटल की बैक साइड में आ चुके हैं। तो गाइस ये गेट जो था वो लॉक था, हम अब इस गेट में जाने की कोशिश करते हैं पर इसमें जाने का कोई तरीका नहीं है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो गाइस कोई ना कोई गेट तो होगा जिससे हम अंदर जा सकें। और इस हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल बहुत हॉरर है, जैसे कि आप देख सकते थे हमें इस गेट में एंटर करते ही हमारी आगे एक भूत आया था। तो गाइस मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है हॉरिबल नाइट। तो गाइज ये जो गेम है ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर है। वैसे तो इसका जो इसमें जो दिखाया है, घोस्ट दिखाया है या ज़ोंबी दिखाया है, जो भी दिखाया है वो तो बहुत धीरे चलता है, पर वो कभी भी कहीं से भी आ सकता है। और जो इसका जहाँ हम होते हैं, ये देखिए गाइज पहला हॉस्पिटल, अभी जो फैक्ट्री और बंकर है वो बंद हैं, वो लॉकड है हमारे, और इसीलिए हम हॉस्पिटल में चलेंगे। और ये चल पड़ा है, हमारी गेम चल पड़ी है गाइस। हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे। और ये स्टार्ट हुई हमारी गेम, फाइनली गाइस हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ कितना अंधेरा है गाइस। ये ऊपर टॉर्च का ऑप्शन देख सकते हैं आप, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया पूरा अंधेरा, हम कुछ भी नहीं देख सकते। और टॉर्च का ऑप्शन क्लिक किया तो वो स्टार्ट टॉर्च
स्टार्ट हो गई है, तो उसने लाइट दी। और ये देखिए गाइस यहाँ कितना ज़्यादा अंधेरा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा अंधेरा है यहाँ। गाइस हमें एक गेट के अंदर एक कमरे एक दूसरे कमरे के अंदर आ चुके हैं। तो गाइस ये देखिए अगर मैं यहाँ लाइट ऑफ करता हूँ तो यहाँ बहुत अंधेरा है, हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है गाइस ये एक कमरा है। तो गाइस होता क्या इसमें, हमें इस ये जो भी जगह है तीन जगहें हैं इसमें, एक हॉस्पिटल है, एक फैक्ट्री है और एक और जगह है। हमें इन तीनों जब भी हम इसमें खेलेंगे तो हमें इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। तो गाइस ये जो ये गेम है हॉरिबल नाइट, ये बहुत ज़्यादा ही हॉरर गेम है। तो गाइस जो इनमें सबसे हार्डेस्ट गेम है वो है ग्रैनी। हॉरर तो सभी हैं पर जो सबसे हार्ड है वो ग्रैनी है, क्योंकि उसको पार करना बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उसका उसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम उसका गेम प्ले डाल देंगे, पर वो हम डे बाय डे डालेंगे, डे वन डे टू के अलग अलग वीडियोस बनेगी सबकी, ताकि आपके लिए भी इजी हो उसे खेलना। तो गाइज़ बस यही थी आज की वीडियो।